मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड, महाराजा हरी सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास, शांति, स्थिरता और विकास। जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। وقف پتہ خبر نامس مز دوبارہ خیر مقدم حلقہ انتخاب بڈگام پہ پی ڈی پی کے امیدوار آغا سید منتظر مہدی سن طرف آواز بڈگام حلقہ کن مختلف علاقوں ہند دور کرنے یا دوران تمو روڈ شو چلو منتظر مہدی سن طرف ات موقع پر ون آمد سے تمن چھ لوکو طرف مثبت رد عمل میلان تو امید چھ زر پی ڈی پی کر حلقہ انتخاب بڈگام پہ جیت درج ات موقع پر اس پارٹی یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرہ تو باقی ذمہ دار تھے تمن سے موجود लोग तो पहले दिन से ही पुरेतमाद पुरजोश हैं और लगातार उस एतमाद में, उस मोहब्बत में जो उन्होंने पहले दिन मुझे दिया उसमें काफी इजाफा है, काफी जोश है लोगों में। उसे वो रात को घूमे, दिन को घूमे, सुबह घूमे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लोगों का फैसला साफ है, लोग अपना फैसला कर चुके हैं। कि मैंने बड़गाम में इंसानी हकूक की बदतरीन पामालियां देखी, चाहे वो पानी का मसला है, चाहे वो बिजली का मसला है, चाहे वो सड़क का मसला है। यहाँ के लोगों को पिछले 20 साल से बुनियादी जरूरियात के लिए दर्शाया गया इस मुकाबले को। देखिए, ये मैंने आपसे पहले ही कहा ना कि लोग अपना फैसला कर चुके हैं, उन्होंने अपने बंदे का इंतखाब किया है। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझ पर डाली है मैं बखूबी उसे निभाऊंगा। जुड़ने से तोड़ने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़गाम के लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बुजुर्गों, जवानों, मां खबर नामस मज दोबारा खैर मकदम हलका इंतखाब लाल चौक पेट भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार इंजीनियर एजाज हुसैन बालहामी सिंह तरफ आवाज समून कॉलोनी हुन दौर करने या दौरान तमो लुकन मसल मसल बूज तमो अत मौक पे लुकन अपील करम तम ग हकस मज वोट त्रावन युत सह लुकन खदमत करित हे तमो वो यहाँ मह कहियाव पार्टियों तरफ राशन तकसीम कर कोशिश कर पार्टियन खिलाफ कार्रवाई कर। देखिए, आज हम लोग, आपको पता ही है, लास्ट फेज में हम, मतलब कल लास्ट दिन है हमारा चुनाव का, इस कारण से। और मुझे यहाँ से फ़ोन आया आज, जिस कॉलोनी में मैं अभी हूँ, सामून कॉलोनी नाम है इसका, यहाँ से मुझे यहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका फ़ोन आया कि जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो ये राशन जो है ना, जो आपको दिख रहा है, ये राशन बांट रहे थे और लोगों ने इनको रिजेक्ट किया। ये देखिए ना, ये बैग्स आप इनको दिखाइए, ये बैग्स को उन्होंने निकाल के बाहर रोड पे रखा है और ये दर्शाता है कि आज लोग राशन, ये इनको ना खुदा ना करे मुसाफिर समझते हैं। मैं बोलता हूँ अगर देना ही था तो कुछ बड़ा दे देते, ये राशन से क्या होगा भाई, 4 किलो 5 किलो राशन दे के क्या करना, क्या प्रूव करना चाहते। और इन पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा इसी तरह लोगों को गुमराह किया, छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व किया और वोट ले लिया, बाद में 5 साल उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको कोई भी कुछ भी देता है ले लो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट देना जो आपके काम करेगा और आने वाले समय में आपके फ्यूचर के लिए काम करेगा, आपके परिवारों के लिए काम करेगा, आपकी बहनों के लिए काम करेगा। और रोड्स के मसले मसाइल हो या कोई भी मसले मसाइल हो, इंशाल्लाह हम लोग उनके लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ आवाज पालपुरा श्रीनगर में एक इंतखबी रैली हुन संज करने यात मज लुकन हिंद खास तदाद शिरकत कर अत मौक पे मुख्तलिफ मामलात दल दिनाव तो लुकन पे जोर दिन आम तम नेशनल कॉन्फ्रेंस कन उम्मीदवार कामयाब करें युत जम्मू कशीर हिंद तमीर और तरक्की यकीनी बनाने यी। ईदगाह पे पार्टी उम्मीदवार मुबारक गुल सिंह तरफ अत मौक पे वन आम जम्मू कशीर हिंद तमाम हकूक बहाल करना तकरीब मज पार्टी हिंद सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वर्कर खास तदाद मौजूद। नेशनल
तो है ही अपर हैंड नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और मेरे जो रूट्स हैं 40 साल से इस इलाके में है, तो कौन निकालेगा अभी उसको 40 साल लगेंगे इसमें खोदने में। लेकिन यह है कि मैंने लोगों के साथ काम किया है, लोगों के साथ इंटैच रहा हूँ, उसी की वजह से लोग आ रहे हैं यहाँ। कोई किसी को पैसे नहीं दिए गए, लोगों ने खुद गाड़ियाँ लाई हैं, खुद आ गए। ये एक ये है कि शायरी खास के जो लोग हैं इसमें, क्योंकि यहाँ सब पॉलिटिक्स जानते हैं, यहाँ लोग सब जानते हैं कि हमें क्या करना है, और इनके साथ मैं जुड़ा रहता हूँ, चाहे ऑल वेदर, चाहे सुबह हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, तूफान हो, गर्मी हो, हर दिन मैं इनके साथ रहता हूँ। कोई मर जाए, कोई जन्म किसी का जन्म हो जाए, कोई बीमार हो जाए, मैं तो चलता रहता हूँ। मैंने ये कभी नहीं देखा कि मैं ये MLA हूँ या नहीं हूँ, मैं तो करता रहता हूँ। अब यहाँ आ गए कोई सीजनल बर्ड्स, वो आते हैं इधर दो तीन दिन के लिए, वो आते हैं खाते दाना, फिर भागते हैं किसी और पार्टी में, उनका कोई है नहीं। 5 साल में कितना कुछ बदल गया ना? अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल, और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।